ना देखो सेव कर करता। यहाँ पर हम सामने जा रहे हैं मंकी पॉइंट पे, वहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ मैं अभी। और यहाँ से ये गेट जैसा दिख रहा है, वहाँ पर वहाँ से गुफा में जाता है यहाँ से रास्ता। आपको यहाँ का मंकी पॉइंट का व्यू दिखाता हूँ मैं अभी, वो एंजॉय कीजिए, बाद में मिलता हूँ वापस से। यह है कुछ नज़ारा मंकी पॉइंट से, ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसकी ऊंचाई है 1334 फीट। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से आप व्यू देख रहे हैं, वो और पारसी पॉइंट से जो व्यू सामने के साइड से हमने लिया, और ये उसके सामने के साइड से है। यहाँ पर सामने के साइड पारसी पॉइंट है, वहाँ से आपको व्यू दिखाई देगा। उसके सामने के पहाड़ पर हम हैं। यहाँ पर नीचे है पांडव गुफा, ये रास्ता है नीचे की साइड। आपको यहाँ का गेट दिखाता हूँ मैं अभी, पांडव केव। यहाँ पर ये है टाइगर केव, यहाँ पर 15 रुपये टिकट है। जैसे जंगलों में से जाना है इधर अंदर। चलिए वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ क्या है वो। पांडव गुफा में जा रहे थे लेकिन उधर देखने के लायक कुछ नहीं था, तो हम आधे रास्ते से ही रिटर्न हो गए थे। ये आप सब देख रहे हो वो टेबल टॉप पॉइंट पर है। यहाँ पर आपको चाय नाश्ता मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक और कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो। ये आज है संडे का दिन, पूरी पार्किंग फुल है इधर। नेप्रो गार्डन है ये, उसका पार्किंग है ये ना। सर मोबाइल का नेप्रो गार्डन के आगे आपको छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी की स्टॉल मिल जाएगी, वहाँ से आप स्ट्रॉबेरी खरीद सकते हो। बोलते हैं गुजबेरी, ये लगा है, ये खाने का है ऐसा है। हाँ, ये शुगर के लिए ज्यादा अच्छा है, ऐसा खाए तो भी चलता है, तो शुगर के लिए ज्यादा अच्छा। स्ट्रॉबेरी लेनी है सर, मलबेरी भी है। स्ट्रॉबेरी कितना? 120 रुपये किलो। इसका क्या रेट है? 150 का। 150 का स्ट्रॉबेरी क्या है? गार्डन पूरा वहां तक है। Yeah.
यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्री में है, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्री में मिलती है खाने के लिए। उस साइड से मेन गेट आने का है और उस साइड आपको फ्री में स्ट्रॉबेरी मिलेगी। और उसके पीछे के साइड गार्डन है और उसके पीछे के साइड आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। कुछ इस तरह यहाँ का नज़ारा रहने वाला है। और पूरा क्लाउड है, आज संडे है। तो आपको यहाँ पर यह चॉकलेट फ्री में मिलेगी। मैप्रो गार्डन के अंदर आपको हर तरह की फ्रूट शरबत जूस चॉकलेट मिल जाएगी। मैप्रो गार्डन में अंदर ही पीछे की साइड आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, आप वहां डिनर कर सकते हो। यहां पर आपको ये फ्री में मिलेगा चॉकलेट। ये जेपॉप आपको ये फ्री में मिलता है, फ्री ऑन कॉस्ट जो आपको ट्राई करने के लिए मिलता है। मैंने तो ट्राई कर लिया, काफ़ी अच्छा है। जितनी भी चीज़ मिलती है आपको ट्राई करने के लिए मिलती है इधर। फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स बियर हो गई और चॉकलेट हो गई, ये सब मिलते हैं। ये आप देख रहे हो, हर संडे आपको ऐसा शो मिलेगा देखने को। काफ़ी अच्छा क्लाउड है यहाँ पर आज संडे के दिन। मैप्रो नाम तो आप सभी ने सुना होगा, उसका फुल नेम है महाबलेश्वर प्रोडक्ट। यहाँ पर हर साल दिसंबर मंथ में फेस्टिवल होता है। ये मैप्रो गार्डन सुबह 9 बजे और रात को 10 बजे तक खुला रहता है और उसके साथ मैप्रो गार्डन में एंट्री फीस नहीं है, आप फ्री में अंदर एंटर कर सकते हो।
यहाँ पर सामने की साइड यहाँ पर कैट्स पॉइंट्स है और यहाँ पर हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हम यहाँ पर रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और हमने यहाँ पर पाव भाजी ऑर्डर की है, पर पाव भाजी की अच्छी नहीं लगी, ठीक ठाक थी। कैट्स पॉइंट महाबलेश्वर से 7 किलोमीटर दूर है। क्या आपको पता है कैट्स पॉइंट का नाम ब्रिटिश गवर्नर मैकलम की बेटी के नाम पर रखा गया है। अच्छा नहीं लिपन वाला ये है यहाँ पर कैट्स पॉइंट यहाँ पर, और उसके साइड पर यहाँ पर ये है गोलमाल वाली बाइक, गोलमाल मूवी में जो बाइक दिखाई गई थी वो। આટલો બધો પડઘો નથી પડતો પણ અહીંયા તમારા બાબા નહીં નહીં चिलबुल नाम है इसका। चिलबुल चिलबुल बैठने का स्लो मोशन ले लो ना, थोड़ा सा भी आएगा चल गया, इसमें भी जैसा भी आएगा मैं बैठता हूँ ऊपर। बैठने को आएंगे कि आगे आप सामने जाओगे तो आपको यहाँ से एलिफेंट हेड पॉइंट दिखाई देगा। ये देखते हैं वहाँ जाकर कैसा दिखता है, वो आपको भी दिखाऊंगा मैं अभी। यही है ना एलिफेंट हेड पॉइंट, आगे से देखिएगा। यह है एलिफेंट हेड पॉइंट। हमने सभी पॉइंट एक्सप्लोर नहीं किया, 2-3 पॉइंट हमने मिस कर दिए क्योंकि हमारा प्लान रैंडमली बन गया था, तो इसलिए हमने अच्छे से प्लान नहीं कर पाए हम, इसलिए हमारे 2-3 पॉइंट रह गए। थोड़स
हम यहाँ पर खड़े हैं एलिफेंट पॉइंट पे। ये फेमस पॉइंट है एलिफेंट हेड पॉइंट, जो अभी बारिश भी होने वाली है। पूरा क्लाउड है ऊपर की साइड और ये यहाँ का नज़ारा। काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। ये बादल भी गरज रहे हैं। इधर सामने की साइड धूप है तो कितना अच्छा लग रहा है। यह अर्थ सेट पॉइंट, यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम बिताया पर मेरा कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं यहाँ का व्यू आपको नहीं दिखा पाया। हेलो, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं महाबलेश्वर टेम्पल। ये रास्ता देखो कितना खूबसूरत है, यहाँ घने जंगल, अमेजिंग व्यू है और वो भी समर के टाइम पर, कितना अच्छा है। ये जो आप सामने देख रहे हो महाबलेश्वर मंदिर का गेट है। मंदिर के सामने सीढ़ियों के बगल में काफी सारी दुकानें हैं। हम जब मंदिर में पहुंचे तब बारिश शुरू हो गई है, ये देखो आप। जब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, काफ़ी अच्छे से हमारा दर्शन हो गया था। यह महाबलेश्वर का शिव मंदिर जो 1215 सदी पहले का है, मतलब ये लगा लो 800 साल पुराना मंदिर है ये।
हाँ जी चाहिए। पंचगंगा का पानी आता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो पंचगंगा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर पांच नदी के पानी आते हैं, जिसमें से कृष्णा, सावित्री, कोणा, गायत्री, वेरना, ये पांच नदी का संगम होता है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। और ये मंदिर 4,500 साल पुराना है। पूरा पत्थर से बना है ये मंदिर। यहाँ पर बच्चों के खिलौने, जूते, चॉकलेट, यही हर तरह की आइटम आपको मिल जाएगी। पर सबसे ज़्यादा शॉप है वो जूते की ही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो वेना लेक है। यहाँ पर काफी सारी बोट है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो। काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। और यहाँ पर वेना लेक के सामने रास्ते के बगल में भी आपको काफ़ी सारी शॉप मिल जाएगी। ब्रेकफास्ट के लिए होटल भी है छोटी मोटी, काफ़ी अच्छा। यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हो आप, और उसके साथ हॉर्स राइडिंग भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। यह भी पॉइंट अच्छा है, इसको भी मिस मत करना।